मूवी की शुरुआत में हम दो अधेड़ उम्र के आदमियों को बातें करते हुए देखते हैं जिनका नाम सिटरसन और हेडली होता है। अब वो दोनों किसी सीक्रेट लोकेशन पर चल रहे होते हैं, तब वहाँ पर एक लीन नाम की लड़की आती है जो उन्हें अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के फेलियर के बारे में बताती है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग किसी कंपनी के लिए सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने दुनिया की हर एक जगह पर इस प्रोजेक्ट को ट्राई किया है, लेकिन अभी तक उनका एक भी प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हुआ था। इसलिए वो दोनों बताते हैं कि किसी भी हालत में कहीं ना कहीं इस मिशन को सफल बनाना है और इसके लिए सिर्फ दो ही जगह बची थी जो है अमेरिका और जापान। अब हमारी दो लड़कियों से होती है जिनका नाम डैना और जूल्स होता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे की अच्छी दोस्त होती हैं। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाती हैं, जिनके साथ जूल्स का बॉयफ्रेंड कल्ट और उसका एक फ्रेंड होल्डन भी होता है। उसी वक्त उन्हें एक और फ्रेंड ज्वाइन करता है जिसका नाम मार्टी होता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट भी होता है। अब वो सभी लोग अपनी आरवी लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसी वक्त डैना के घर की छत पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी को रिपोर्ट करता है कि अब उनका घर खाली हो चुका है और यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। इस आदमी की बातों से हमें पता चलता है कि यहां पर कुछ तो लोचा जरूर होने वाला है। अब वो सभी लोग जंगल में बने किसी केबिन की ओर निकल जाते हैं जिसे कल्ट के एक कजिन ने रिसेंटली खरीदा था। रास्ते में वो लोग एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर होल्डन स्टेशन के अंदर जाता है। तब उसे एक बुड्ढा सा आदमी मिलता है जो कि नेचर में काफी ज्यादा भड़काऊ सा होता है, इसलिए वो उनके आरवी में फ्यूल भी नहीं भरता है। लेकिन वो लोग उसे जंगल का रास्ता पूछते हैं लेकिन तब भी वो उन्हें कोई सटीक जवाब नहीं देता है, इसलिए वो सभी बिना फ्यूल भराए वहां से आगे निकल जाते हैं। अब आगे जाने का एक ही रास्ता होता है जो कि एक टनल से होकर गुजरता है, इसलिए वो सभी बिना डाउट के आगे की ओर निकल जाते हैं। उसी वक्त हम वहां पर एक पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं जो कि किसी पारदर्शी दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब वो लोग कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां पर होल्डन को एक अजीब सी पेंटिंग मिलती है जिसमें कुछ लोग किसी क्रिएचर को मार रहे होते हैं। होल्डन उसे वहां से हटाता है, तब वो देखता है कि वहां पर एक कांच लगा हुआ है जिससे वो दूसरे रूम में खड़ी डैना को देख पाता है, लेकिन डैना उस शीशे के आर पार नहीं देख पाती है। अब होल्डन डैना के पास जाकर उसे इस चीज के बारे में बताता है, इसलिए वो लोग अपना रूम एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। उस रूम में जाकर डैना उस पेंटिंग को फिर से उसी जगह पर लगा देती है क्योंकि उसे मिरर से होल्डन की हर एक एक्टिविटी दिख रही थी, लेकिन वो पेंटिंग भी काफी वियर्ड होती है इसलिए वो एक कपड़े से उसे छिपा देती है। अब हमें पता चलता है कि इस केबिन के हर एक रूम में कैमरा लगा हुआ है जिससे वो दो बूढ़े लोग सिटरसन और हेडली उन्हें देख रहे होते हैं। साथ ही उन्होंने उस पूरे एरिया में अपने माइक और कैमरा लगाए हुए थे जिनकी मदद से वो उनकी हर एक एक्टिविटी को कवर कर रहे थे। तभी कंट्रोल रूम में बैठे हुए उन्हें एक कॉल रिसीव होता है जिस पर वो खड़ूस स्टेशन ऑनर होता है जो हेडली को बताता है कि मैंने अपना काम एकदम परफेक्ट कर दिया है। अब हम वहां पर उस सीक्रेट एजेंसी के बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि सभी एक दूसरे के साथ बैट लगा रहे थे। दरअसल वो सभी इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि कौन सा मॉन्स्टर उन लोगों को सबसे पहले मारेगा। दूसरी ओर केबिन में वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। उस समय मार्टी जूल्स को एक डेयर देता है कि उसे वहाँ पर बने एक वुल्फ के साथ रोमांस करना होगा। जूल्स इन सब में माहिर होती है इसलिए वो बिना देरी के डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और उस वुल्फ के साथ किस करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से फर्श में से एक डोर खुलता है जो कि नीचे के बेसमेंट का दरवाजा होता है। इस चीज से सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी जूल्स डैना को एक डेयर देते हैं कि तुम्हें इस केबिन में जाना होगा। इसलिए डैना डेयर एक्सेप्ट कर उस बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे काफी पुरानी चीजें मिलती हैं। इसलिए बाकी सभी बेसमेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर पड़ी चीजों को देखने लगते हैं। उस वक्त मार्टी सभी को बाहर चलने के लिए कहता है लेकिन वो सभी वहाँ की चीजों में खो जाते हैं। उसी वक्त डैना को एक डायरी मिलती है जिसको 1982 में एना नाम की किसी लड़की ने लिखा था। डैना उसे पढ़ती है, तब उन्हें पता चलता है कि यह डायरी उन लोगों पर हुए अत्याचारों पर लिखी हुई है। उसमें एना लिखती है कि उसके एक फैमिली मेंबर ने मुझे और मेरी माँ को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, साथ ही मेरे डैड ने मेरी मॉम को मार दिया था। अब उसी डायरी के एक पेज पर एक मंत्र लिखा था जिसको अगर कोई पूरा पढ़ लेता है तो वो लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे और लोगों को मार देंगे जिन्होंने उनको मारा है। ये सुनकर मार्टी डर जाता है और डैना को डायरी बंद करने के लिए कहता है, लेकिन बाकी सब लोग इस चीज को एक मजाक मानते हैं और डैना उस मंत्र को पूरा पढ़ लेती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि केबिन के बाहर जंगल में एना और उसकी फैमिली के मेंबर ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर उस कैंप में हेडली बैट विनर को अनाउंस करता है जिन्होंने इस बैट को ज़ॉम्बीज पर लगाया था। इसका मतलब हम समझ पाते हैं कि उस केबिन में ऐसे और कहीं तरीके थे जिनसे वो लोग अपनी मौत को बुलावा दे सकते थे। अब सिटरसन एक बोर्ड पर सभी विनर के नाम लिखता है जहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं बल्कि और बहुत सारे मॉन्स्टर के नाम लिखे होते हैं जिनमें म्यूटेंट, वेयरवॉल्फ और मम्मी जैसी बहुत सारी मौत की आफतें होती हैं। उसी वक्त हम एक स्क्रीन पर कुछ स्कूल गर्ल्स को देखते हैं जिन्हें एक इविल स्पिरिट डरा रही थी। इसी तरह जापान के साथ साथ दुनिया की और कई जगहों पर ये प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। अब कैबिन में कल्ट और जूल्स जंगल में घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं और बेस में बैठे हेडली और सिटरसन उन दोनों को लाइव देख रहे थे। उसी वक्त जूल्स पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। ये देखकर कल्ट उसको बचाने के लिए ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे घायल कर देता है और जूल्स को घसीटते हुए ले जाकर बुरी तरह से काट कर मार देता है जिससे जूल्स का ब्लड एक नल से होते हुए एक स्ट्रक्चर में फैल जाता है। वहीं कल्ट किसी तरह भागते हुए वापस केबिन पर जाता है और अपने दोस्तों को इन सब के बारे में बताता है। साथ ही वो उन सबको जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त गेट के पीछे कुछ आवाज आती है और मार्टी उसे खोलने के लिए मना करता है, लेकिन डैना उनकी बात ना मानते हुए गेट को खोल देती है और हम वहाँ पर खड़े एक बड़े से ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके हाथ में जूल्स का कटा हुआ सर होता है। अब वो सर को डैना की ओर फेंक देता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो ज़ॉम्बी जैसे
जैसे ही अंदर आने लगता है उससे पहले ही वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। और अब कल्ट वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है और सबको बताता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो पूरे केबिन की विंडो और दरवाजों को बंद करना होगा। दूसरी ओर हेडली और सिटरसन उनकी ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें शक होने लगता है कि कहीं ये लोग इस वजह से जिंदा ना बच जाए। इसलिए हेडली एक बटन दबाकर केबिन में गैस रिलीज कर देता है जिससे कल्ट का माइंड बदल जाता है और वो सभी को एक दूसरा प्लान बताता है और कहता है कि सब लोग अलग अलग हो जाओ। इसलिए सभी भागते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं और उसी वक्त हेडली कंट्रोल रूम से उनके डोर लॉक कर देता है। अब मार्टी को अपने रूम में एक कैमरा और उसका वायर मिल जाता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि हम सब लोगों पर नजर रखी जा रही है। वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है कि तभी विंडो से एक ज़ॉम्बी उसे बाहर खींच लेता है और ठीक जूस की तरह उसका ब्लड भी उन स्ट्रक्चर में फैल जाता है। अब मार्टी के मरने के बाद तीन लोग ही जिंदा बचते हैं जो किसी तरह भागते हुए अपनी आरवी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो जापानीज लड़कियां किसी तरह झाड़ फूंक करके उस इविल स्प्रिट को एक मेंढक की बॉडी में कैद कर लेती हैं और इस तरह उनका एक और प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए उन लोगों की सारी उम्मीदें अमेरिका वाले प्रोजेक्ट पर टिक जाती हैं। दूसरी ओर वो तीनों आरवी लेकर टनल से होकर बाहर जाने लगते हैं लेकिन उसी वक्त हेडली एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे वो टनल टूटने लगती है। अब कल्ट डिसाइड करता है कि वो अपनी माउंटेन बाइक को लेकर पहाड़ी की दूसरी ओर जाएगा और डेना और होल्डन को यहां से निकलने में मदद करेगा। अब वो स्पीड के साथ वहां से जंप करता है लेकिन तभी वो उस पारदर्शी दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और इस हादसे में उनका एक और साथी मारा जाता है। अब जिंदा बचे डेना और होल्डन आरवी लेकर किसी दूसरे रास्ते की तलाश में निकल जाते हैं लेकिन वो अपनी गाड़ी में छिपे ज़ॉम्बी से अनजान होते हैं जो जल्द ही होल्डन की गर्दन में एक रोड घुसा देता है जिसकी वजह से गाड़ी का कंट्रोल फेल होता है और वो पास की लेक में गिर जाती है। डेना किसी तरह पानी से बाहर निकलती है कि तभी वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो एटलीस्ट डेना को मारने वाला ही होता है कि तभी मार्टी वहां पर आकर उसे बचा लेता है और हमें पता चलता है कि मार्टी अभी तक जिंदा है लेकिन ये बात सीक्रेट बेस के लोगों को पता नहीं थी। इसलिए वो लोग सभी खुशी से पार्टी करने लगते हैं क्योंकि डेना एक ही बची थी और उसे भी बहुत जल्द कोई ना कोई मार देगा जिससे उनका ये प्रोजेक्ट सफल होने वाला था। दूसरी ओर मार्टी और डेना किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए वापस केबिन में पहुंच जाते हैं। अब वो उसे उस जगह पर ले जाता है जहां पर मार्टी को वो ज़ॉम्बी लाया था। मार्टी डेना को बताता है कि उसने ज़ॉम्बी को पूरी तरह काट दिया है लेकिन अभी तक वो जिंदा होता है। अब मार्टी उसे सब कुछ बताते हुए कहता है कि हम लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और साथ ही यहां पर होने वाली हर एक चीज पहले से प्लान्ड है और जो ज़ॉम्बी यहां पर आए थे उन्हें एक लिफ्ट के माध्यम से ऊपर भेजा गया था ताकि जो लोग उन्हें भेज रहे हैं वो हमें दर्द की मौत तड़पते हुए देख सके। अब वो दोनों उस लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं जो कि उस सीक्रेट बेस को केबिन से जोड़ती है। नीचे जाने पर उन्हें बहुत सारे अजीब तरह के मॉन्स्टर दिखते हैं जिन सबका यूज वो लोग लोगों को अलग अलग तरीकों से मारने के लिए अपने हर प्रोजेक्ट में करते हैं। लेकिन जब सिटरसन को उन दोनों के बारे में पता चलता है तो वो वहां पर एक गार्ड को भेजता है लेकिन वो दोनों किसी तरह उसे मारकर बेस के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहां पर अनाउंस होता है कि मानव जाति को बचाने के लिए उन दोनों को अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए एक रूम में छिप जाते हैं। दरअसल वो दोनों जिस रूम में होते हैं वो बेस में कैद की गई सभी मॉन्स्टर को फ्री और बंद करने का कंट्रोल रूम होता है। वहीं बाहर उन दोनों को पकड़ने के लिए बेस की आर्मी आ जाती है। उसी वक्त डेना एक बटन प्रेस करती है जिससे उन रूम में कैद सारे मॉन्स्टर बाहर निकल जाते हैं और एक एक करके सभी को मार देते हैं। वो मॉन्स्टर सिटरसन और हेडली के रूम में भी चले जाते हैं जहां पर हेडली मारा जाता है लेकिन सिटरसन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी उनके सामने मार्टी और डेना आ जाते हैं जहां पर डेना उसे एक चाकू से मार देती है। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहां का पूरा फर्श खून से सना हुआ था। साथ ही वो लोग उन स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि उन पांच दोस्तों के लिए बनी थी जिनमें से चार स्ट्रक्चर ब्लड से भरी हुई थी। तभी वहां पर इस कंपनी की डायरेक्टर आ जाती है जो उन्हें बताते हैं कि हम ये सब मानव जाति को बचाने के लिए कर रहे थे क्योंकि एंशिएंट इविल गॉड धरती के नीचे रहते हैं जिन्हें हर साल पांच अलग अलग लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है नहीं तो वो लोग इस धरती पर आकर अटैक कर देंगे जिससे पूरी मानव जाति तबाह हो सकती है। इसलिए हमने दुनिया की अलग अलग जगहों पर ये प्रोजेक्ट चलाए लेकिन सभी प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद सारी उम्मीदें इसी प्रोजेक्ट पर टिक जाती हैं। इसलिए अगर तुम दोनों ने अपनी बलि नहीं दी तो सारी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी साथ ही ये बलि सनराइज से पहले देनी होगी। ये सुनकर डेना इमोशनली डर जाती है और वो धरती को बचाने के लिए मार्टी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पीछे से एक वुल्फ डेना पर अटैक कर देता है। मार्टी उस पर गोलियां चलाता है जिससे वो वहां से भाग जाता है लेकिन अब डायरेक्टर और मार्टी के बीच में फाइट होने लगती है। उसी वक्त पीछे से डायरी वाली आना डायरेक्टर पर अटैक कर उसे मार देती है। तभी मार्टी उन दोनों को धक्का देकर नीचे खाई में गिरा देता है जहां पर एंशिएंट इविल गॉड रहते हैं। इन सबके बाद वो दोनों वहां पर बैठकर स्मोकिंग करने लगते हैं जहां पर डेना मार्टी से सॉरी कहती है क्योंकि उसने बिना सोचे उसे मारने का फैसला ले लिया था। तभी जमीन से एक बड़ा सा हाथ निकलता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि एंशिएंट इविल गॉड को सही तरीके से बलि नहीं मिली है और अब वो धरती पर आकर इंसानों की तबाही करने वाले हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।